The next question is, which one of the following is not correct about repo rate? Repo दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? Answer is option C. Option C. Next question is, option C है किसी वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत ब्याज दर है. Next question is, the cash reserve ratio referred to? Answer is, नकदी रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है? Answer is option B. निवल मांग और अवधिक देनदारियों का अंश जो RBI के शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है. Next question is, in economics, if a diagram has a line passing through the origin and has 45 degree angle with the either axis and it is asserted that along the line x equal to y, what is tactically assumed? अर्थशास्त्र में किसी आरेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और यह दावा किया गया है कि रेखा के साथ साथ समांतर x बराबर y है, तो अकथित रूप से क्या मान लिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी. बोथ वेरिएबल्स आर इन द सेम यूनिट, दोनों परिवर्ती एक समान इकाई यूनिट में है. ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग द वन द बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप? फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 का सबसे पुरुष खिलाड़ी इनमें से किसे प्राप्त हुआ है? लियोनेल मेसी, मेसी का हुआ है. ऑप्शन सी, जो बहुत बड़े खिलाड़ी है, अर्जेंटीना के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2019 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल एजेंट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकक्रप्ट? सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ट्रैवल कंपनी ने अपने आप को दिवालिया किस बड़ी ट्रैवल कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉरी, थॉमस कुक, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेटा थम्बर्ग इज टीनेजर्ड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, हु वाज इन न्यूज रिसेंटली हेल्प फ्रॉम? आंसर होगा स्वीडन. ग्रेटा थनबर्ग जो एक किशोर पर्यावरण सक्रियवादी है जो हाल ही में समाचारों में थी, कहाँ की रहने वाली है? आंसर होगा स्वीडन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोजिड लिमिटेशन इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन द विदड्रॉवल ऑफ अमाउंट बाय अकाउंट होल्डर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में 6 माह की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के खाताधारकों द्वारा धनराशि की निकासी किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमिताभ बच्चन वाज रिसेंटली कॉन्फ्रेंट विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट द अवार्ड? तो अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है. यह पुरस्कार सबसे पहले किसने पाया था? तो इसका आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं, देविका रानी को सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस मुगल पेंटिंग डिफेसिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सेवफिट किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स? प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफाविद राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दिखाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल हसन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट? मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? आंसर इज, सही कौन कौन है? एक और दो. तो इसका आंसर हुआ
ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है. तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है. पहला रॉकी बार्सलैंड, यही पहला ही नहीं मिलित है. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये मिलित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेंटेनेंस नेम डिवाइडर फ्रॉम दैट द मदर. निम्नलिखित में से कौन सा शासक मातृ नाम, माता को नाम से पहचाने जाते थे. आंसर होगा सातवाहन, ऑप्शन डी सातवाहनस. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट. पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. ऑप्शन डी सही है. यह दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64. अब आपको हिंदी में ही बताएंगे क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया है, वो आप पढ़ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक है. आंसर इज स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट एंड रिलेटिव रिलीफ, यानी ढाल कोण, ढाल आकृति और आपेक्षिक उभार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरों के निम्नलिखित में से किस समूह के द्रुपन्नी उसके प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन के रूप में नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिटीज डज नॉट हैव स्क्लेरोफ्रो एज इट्स नेचुरल वेजिटेरियन कवर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फार्मोसियन करेंट्स. निम्नलिखित में कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं. आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील करेंट, उत्तर अटलांटिक अफवाह और ब्राजील धारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67. भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं. मतलब भारत के कितने राज्यों में या संघों में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं. तो इसका आई थिंक आंसर होना चाहिए नया राज्य और केंद्र शासित बना है जिसके अनुसार, ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68. इन द हिंदी में बताते हैं हैडली सेल तापीय परिचरण में वायु ऊपर उठती है और अंततः कहां पर नीचे आती है. तो आंसर होगा ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब सेल, सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है. आंसर इज हिस्टोसोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. दे मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देयर नेम्स एंड फिगर ऑन द इलेक्टोरल, या तीनों, वन एंड टू. ये इसलिए वे भारत के नागरिक हो तथा उनका नाम निर्वाचक नामावली में हो और तथा वो भारत में उपस्थित हो, तीनों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71. निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है. तो देखने से पता चलता है ऑप्शन डी 10 लाख. हम लोग जानते हैं कि 5 लाख इसका लिमिट है और यहाँ पर दिया हुआ 10 लाख, ये गलत है. तो अगला प्रश्न 72. निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन बी साम्य, उत्पादकता, सशक्तिकरण और धारणीयता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन फॉर वंस चाइल्ड बिटवीन द एज 6 and 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? आंसर इज आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा सही, यानी ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस शिल्पकला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक ब्लेड जो ढेर उत्पन्न किए जाते थे सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे, कहाँ से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द वर्क ये कृति सियाडुल मुतखोरिन जो प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समझता था कि 1936 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना की डिजाइन थी? तो ऐसा सोचता था कौन? ऑप्शन बी, लॉर्ड पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर 1939 में। अगला प्रश्न है, भारत और यूएसए के बीच पहली बार हुए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास को क्या कूटनाम दिया गया था? तो इसका नाम टाइगर ट्रंप था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ, कहाँ का है नरोपा, कहाँ का वार्षिक उत्सव है? तो यह है लद्दाख का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 52वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गली बॉय, ऑप्शन सी, गली बॉय। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा ए, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट द अफ्रीका टेररिस्ट इवेंचुअली द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, पोर्टुगीज। अगला है प्रश्न, इसका 85 का हिंदी है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में से पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंततः अफ्रीका में रोपे उपनिवेश की स्थापना की? तो आंसर था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंध है कहाँ स्थित है? आंसर है पुणे में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सील हैज हेडक्वार्टर एट कोलकाता, ये सही है, ये सही है, बाकी दोनों मिस्टेक आई थिंक, ये ऑप्शन ए ही सही है और ये ऑप्शन ए ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज फाउंड इन द सेंट्रल स्पेन? मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन डी आद्र महाद्वीपीय कौन ग्रीष्म कोष्ण ग्रीष्म। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? आंसर होगा मोनपा, मोनपा नहीं है।
अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के बड़े भाग में निम्नलिखित में से किस भाषा के परिवार की प्रधानता है? तो आंसर इज इंडो यूरोपियन, मध्य एशिया इंडो यूरोपियन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ग्राउंड ऑन द विच ऑफ द विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो इसका जवाब होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किनसे मिलकर बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी है भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग डी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? आंसर इज 1952 में पहला परिसीमन आयोग। 95 इनमें से संविधान सभा, इनमें किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ओरिजिनल जुडिशरी, आरंभिक अधिकारिकता, ओरिजिनल जुडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन है? आंसर है विवेक देव रॉय। अगला प्रश्न है, हिल्सा इज नेशनल फिश ऑफ, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? आंसर सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिन्हें हाल ही में फिर से शुरू किया गया था कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी ऐसा ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, रुस्तम 2 जो हाल ही में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था क्या था? तो ये एक मानव रहित वायवीय वाहन था, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिनमें भारत और सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड इन द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने की थी? आंसर होगा हृदय नाथ कुंजरू। अगला प्रश्न है, दक्कन का हैदराबाद राज आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन ए। जैसा कि हाल ही में हैदराबाद के बारे में केस चल रहा था ब्रिटेन में, जिसको लेकर ये करंट अफेयर चर्चा में थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन 1882 जिनमें जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने, इसका आंसर होगा उसने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून शक्ति बनाने के किसके पास है? कानूनी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधान मंडल, द स्टेट लेजिस्लेटर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची
किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टेट लेजिस्लेटर एंड पंचायत, नगर राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं, तो किस एक लागू पर नहीं लागू होते हैं, मेघालय पर, मेघालय पर लागू नहीं होते, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है, होगा वोल्गा नदी काला सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है, आज राष्ट्रीय जल अकादमी खंडवासला में उपस्थित है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 112, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निरूपण का किसका दायित्व है, तो इस किसका दायित्व है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंध में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के आयुष समूह में हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, तो आंसर होगा सी, सोवा रिगपा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए भारत में निम्नलिखित में किसे केंद्रक नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो ये प्रश्न भी आगे आने वाले अगले वीडियो में बनाएंगे, जिसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी माना जा सकता है अर्थात जो अपने पहले वास निवास से अभी तक भिन्न स्थान पर बस गए हैं की प्रतिशतता लगभग कितनी है, तो 35%। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 116, मान लीजिए एक कृषि मजदूर अपने गांव में 400 प्रतिदिन कमाती है, उसे नजदीक के शहर में बेबी सीटर के रूप में कार्य करने का जॉब मिलता है, उन्हें प्रतिदिन 700 रुपया, ये बनाना था 700 की दर से भुगतान किया जाएगा, इसमें दोनों में जोड़ के कितना उसको नुकसान या रियल टाइम उसको लॉस कितना हो रहा है और ये वगैरह वगैरह, तो ये इसका आंसर था, ये बहुत ही ईजी था, 300। अगला प्रश्न है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, तो इसको मैच करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन, ये सबको मिलाना था, फोर से मेनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब प्रतियोगिता होता है एक जैसे उत्पादों की बिक्री बहुत से उत्पादों द्वारा किया जाना, और मोनोपोली ये हो जाएगा, मतलब एकाधिकार किसे कहते हैं, एक वस्तु की बिक्री केवल एक उत्पादक द्वारा किया जाना, और ये हो गया, ये C3 हो गया, जो एकाधिक प्रतियोगिता विभेदित उत्पादों की बिक्री बहुत से उत्पादकों द्वारा किया जाना, इसे एकाधिक प्रतियोगिता कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, यानी यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, विश्व पर्यटन दिवस 2019 का मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा देश था, ये हुआ था दिल्ली में, जिसका मेजबान इंडिया कर रहा था, कौन, इंडिया कर रहा था, दिल्ली में हुआ था ये,
दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? और आंसर होगा रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक सैनिक पुरस्कार गठित किया, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में लिए हैं? तो ये है भारतीय एकता एवं अखंडता, तो ऑप्शन ए सही होगा।